नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जॉब्स विद मी के अंदर। और जो 24 मार्च को RSMSSB के द्वारा जूनियर इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिशियन के लिए, तो आज हम उसके अंदर जो 50 क्वेश्चन GK के आए थे उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अभी बात करते हैं हम क्वेश्चन की। सबसे पहले नंबर वन क्वेश्चन की बात करें तो प्रसिद्ध चित्र बनी ठणी का चित्रांकन किसने किया था। यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, निहाल चंद इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर दो की अगर बात करें कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, तो यहाँ पे मतलब रामदेव जी है उनकी जगह दी गई है, रामदेव राव बाबू जी की जगह है कोलू, तेजाजी की जगह है खरनाल, और यहाँ पे सही जो हमारा आंसर है वो मल्लीनाथ जी गागरौन। मल्लीनाथ जी का गागरौन में नहीं है दोस्तों, तिलवाड़ा के अंदर इसका सही आंसर होगा। तो हमारा जो आंसर है वो डी के साथ चला जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन कि कटारगढ़ किस दुर्ग का भाग है। तो दोस्तों कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसके जो बीच का भाग है उसको हम कटारगढ़ कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा कि कटारगढ़ है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का भाग यहाँ पे है। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर चार की, तो आमेर महल में जो दीवाने आम का निर्माण है वो किसने करवाया है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन हमारे पास हैं, ये हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। महाराजा सवाई जय सिंह ने आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण जो है वो करवाया था। अगला क्वेश्चन है पाँच नंबर का क्वेश्चन कि कांगड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा दोस्तों। बीकानेर राज्य का जो किसान आंदोलन था उसका संबंध यहाँ पे कांगड़ कांड के साथ में दिया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर छः की अगर हम बात करें तो राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कहाँ हुआ था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इसको सही किया होगा। तो यहाँ पे जो विद्रोह है वो नसीराबाद से यहाँ पे शुरू हुआ था 1857 के अंदर, सबसे पहले ये बात पढ़ाई जाती है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सात की, तो सिद्धराज डड्डा कौन थे। तो सिद्धराज डड्डा थे वो एक गांधीवादी एवं सर्वोदय नेता थे। हमारा जो आंसर है वो सी ऑप्शन के साथ यहाँ पे चला जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कि कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है RSMSSB द्वारा कि कुंभ श्याम जो मंदिर है वो किस किले के अंदर स्थित है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर जो है कुंभ श्याम मंदिर यहाँ पे स्थित गया है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कमड़िया बंद की स्थापना किसने की थी। तो आप सभी को ये पता होगा कि कमड़िया बंद की स्थापना जो है वो रामदेव जी के द्वारा यहाँ पे की गई थी। तो हमारा जो आंसर है वो बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आसान है दोस्तों कि गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की थी। तो यहाँ पे गोविंद गिरी जी के द्वारा संप सभा की स्थापना जो है की गई थी। हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यहाँ पे चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 11, तो मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि दोस्तों कि जब भी इसके आंसर किया है तो यहाँ पे भरतपुर और धौलपुर जो है दोनों इसके सही आंसर हैं। काफ़ी बुक्स में भरतपुर और धौलपुर यहाँ पे दोनों दिए गए हैं, क्योंकि दोनों ये मत्स्य संघ के अंदर आंदे हैं और दोनों ही जो है वो तैयार नहीं थे राजस्थान में मिलने के लिए, जो उत्तर प्रदेश के साथ मिलने के लिए तैयार थे। तो इसका जो मैं सही आंसर है वो अधिकतर बुक में दोनों दिए गए हैं, बाकी कुछ बुक्स में केवल धौलपुर भी यहाँ पे दिया गया है। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे डी के साथ चला जाएगा। बाकी आप इसके ऊपर जब भी आंसर किया है तो इसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप गलत करार यहाँ पे दे सकते हैं अगर आप ये क्वेश्चन गलत हो गया तो, क्योंकि इसमें दोनों आंसर सही हो सकते हैं भरतपुर और धौलपुर। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि अकबर की जो है चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए थे जिन्हें खालिस्तान कहा जाता था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उन सिक्कों को सिक्का LC के नाम से जाना जाता था, जो मतलब चित्तौड़ के अंदर चित्तौड़ की विजय के प्राप्त जो है इसने अकबर ने जो वहाँ पे जारी किए थे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर जीवन कुटीर के गीत। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसका मुझे जो करेक्ट आंसर है वो अब तक मिल नहीं पाया है। तो आप कमेंट करके बता दें कि इसका करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, हरिबाबू उपाध्याय, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट। ये जो 50 क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से हमको जो 45 क्वेश्चन है वही अब तक मिल पाए हैं अच्छी तरीके से। 5 क्वेश्चन है वो उनका अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, कहीं पे अभी तक किसी बुक में या हमें इंटरनेट पे भी अभी तक अब उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की यहाँ पे कि राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, शारदा भार्गव जो है इसका सही आंसर होगा। ये प्रथम जो है MP राजस्थान के अंदर चुनी गई थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15
कि कर्णा भील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? तो यहाँ पे नड हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ हमारा जो आंसर वो चला जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 का, कि भीलवाड़ा जिले की खालिस्तान नदी पर बागोर स्थित है। तो इसका जो हमारा दोस्तों सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, कोठारी जो नदी है उसके किनारे पर बागोर यहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, कि निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख 1460 ईस्वी का लेखक कौन था? तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो राणा कुंभा के साथ दोस्तों चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित प्रतिहार शासकों में से किसने मंडोर को बदलकर मेड़ता की राजधानी बनाया था? हमारा यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, नागभट्ट प्रथम ने ऐसा किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जयपुर के किस शासक ने लगातार तीन मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की थी? तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा यहाँ पे इन तीनों शासकों की सेवा की गई थी। अभी अगला जो क्वेश्चन हमारा रतवाई लोकगीत वाला, ये भी उन्हीं पांच क्वेश्चन में से शामिल है। इसका जो सही आंसर है वो अब तक नहीं मिल पाया है, तो इसका अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका जो सही आंसर है वो क्या यहाँ पे आने वाला है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मेवाड़ जो है इसका सही आंसर हो सकता है, बाकी आप अभी इसका कन्फर्म आंसर मैं आपको नहीं बता सकता। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें 21 की, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर का हवा महल, काफ़ी जो आसान सा क्वेश्चन है, कि जयपुर के हवा महल का निर्माण है वो सवाई प्रताप सिंह ने यहाँ पे करवाया था दोस्तों। अभी अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का, निम्नलिखित में से जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना की जो तिथि है वो बताता है? तो ये जो क्वेश्चन है ये भी उन्हीं के अंदर से शामिल है, कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन कौन है? तो यहाँ पे काफ़ी आसान प्रश्न है, नागनेची जो देवी जी हैं वो राठौड़ राजवंश की कुल देवी यहाँ पे कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें, कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में है, मतलब जो कवि सूर्यमल है उन्होंने अपनी जो रचनाएँ हैं वो किस भाषा में यहाँ पे की थी? तो यहाँ पे आड़ोती इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो झालरापाटन यहाँ पे हो जाएगा, झालरापाटन जो कि झालावाड़ के अंदर है, जहाँ से वसुंधरा राजे जी का जो विधानसभा क्षेत्र है वो है झालरापाटन, वहीं ये जो मेला है वो लगता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान का वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है दोस्तों वो सुनामी के साथ चला जाएगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर कभी सुनामी नहीं आई है अभी तक, तो इससे संबंधित राजस्थान का यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा फल राजस्थान में मुख्यतः सिरोही जिले में उत्पादित किया जाता है? तो देखो वो चार ऑप्शन दिए गए हैं, आम, अनार, चीकू और माल्टा। यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो चीकू के साथ यहाँ पे चला जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 28 का, कि पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर स्थित है? तो जितने भी ये देसर शब्द से संबंधित है आप आँख मीच के यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, कि सभी आपको बीकानेर के अंदर ये मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन 29 की अगर हम बात करें, झालावाड़ ज़िले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है दोस्तों वो हमारा सावन भादो परियोजना के साथ चला जाएगा, सावन भादो परियोजना है वो झालावाड़ के अंदर नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, माही बाजार सागर बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो डी के साथ चला जाएगा, कोटा इसका सही आंसर है, माही बजाज सागर है वो कोटा जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें 31, तो दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसका जो सही आंसर है वो NH 48 के साथ यहाँ पे हमारा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब 32 के क्वेश्चन की बात करें, कि सबला लोहरिया का खनन क्षेत्र निम्नलिखित इसमें से किस जिले के अंदर स्थित है? तो इसका सही आंसर है वो डूंगरपुर के साथ हमारा चला जाएगा, जो सबला लोहरिया क्षेत्र है वो डूंगरपुर के अंदर यहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन 33 की बात करें यहाँ पे, तो निम्नांकित में से कौन सा जिला उप आद्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो डूंगरपुर के साथ चला जाएगा, क्योंकि डूंगरपुर है वो अति आद्र जिलों के अंदर यहाँ पे शामिल किया जाता है, तो अर्ध आदर के उप आदर के अंदर ये इसका शामिल जो है इसको नहीं किया गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें 34 का, कि
कि जो राजस्थान के किस संस्थान में इसरो सैक अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण एवं भूमि रक्षण एटलस का विमोचन किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों, AFRI इसका जो है सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है 35 का, ये उन्हीं के अंदर से है कि राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा, तो इसका जो है करेक्ट आंसर अभी तक नहीं मिल पाया है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप इस कमेंट करके यहाँ पे ज़रूर हमको बताएं ताकि सभी को यहाँ पे मदद मिल सके। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि राठी प्रजाति कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलाया जाएगा, सिंधी व साहिवाल इसका सही आंसर है। इन दोनों से मिलकर के राठी गाय जो है वो बनी है। अगला क्वेश्चन है 37 का कि राजस्थान व खालिस्तान की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश है। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी ट्रेन खड़ी होती है तो इसका आधा हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर होता है और आधा हिस्सा जो है वो राजस्थान के अंदर होता है, भवानी मंडी रेलवे स्टेशन के अंदर कुछ ऐसा ही पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 38 का, अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर अंतःप्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी है वो सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा वो बी के साथ चला जाएगा, पश्चिमी बनास नदी जो है वो इसके अंदर स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो कितनी है, तो यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है दोस्तों वो बी ऑप्शन हमारे से 826 किलोमीटर जो है वो उत्तर से दक्षिण है, और पूर्व से अगर पश्चिम की बात करें तो 869 जो है ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता अगर पूर्व से पश्चिम की बात यहाँ पर की जाती। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अधिकतम वर्षा जो है होती है, तो यहाँ पे तो चार जिले दिए गए हैं, अगर हम सबसे ज़्यादा की बात करें अगर वो ऑप्शन इसके अंदर नहीं दिया गया है जो झालावाड़ है, लेकिन अगर इन चार जिलों की हम बात करते हैं यहाँ पर तो इन चार जिलों में हमारा जो है अजमेर ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जोधपुर बीकानेर और सीकर में काफ़ी कम बारिश जो है अजमेर की अपेक्षा होती है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की बात करें हम, काफ़ी आसान क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि एरिया ऑफ राजस्थान इज, राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कितना, तो ये आप सभी को पता होगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 342,239 वर्ग किलोमीटर है, इसका सही आंसर डी ऑप्शन है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 42 का कि उदयपुर राज्य का पुरातन नाम क्या था, काफ़ी आसान क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, जो सिवी जो है वो उदयपुर का पुराना नाम, यहाँ पे सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि बाड़मेर में तिलवाड़ा में लूनी नदी से खालिस्तान नदी मिलती है, तो तिलवाड़ा के अंदर जो नदी मिलती है वहाँ पे वो सही आंसर है दोस्तों सूकड़ी नदी, जो तिलवाड़ा के अंदर जा कर के लूनी नदी के अंदर मिल जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 44 का कि खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित खालिस्तान गांव की पहाड़ियों में होता है, तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, बिजराल गांव के अंदर जो है इसका उद्गम स्थल यहाँ पे जो है मिलता है। अगले अगर क्वेश्चन की हम बात करें कि कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर में पश्चिमी भागों को निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंदर जो है बांटा गया है, तो ये जो कोपेन का वर्गीकरण है वो चार भागों में यहाँ पे दिया गया है, इसके अंदर जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो बी के साथ चला जाएगा, BWHW जो है इसका वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन 46 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, आप सभी को पता होगा कि जो चंबल का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बीहड़ भूमि का से यहाँ पे भरा हुआ है। अगले जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन वैसे किस टाइप से दिया गया है मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कब्ज ठीक करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे मैं आपके ऊपर इस क्वेश्चन को छोड़ता हूँ कि इसका जो सही आंसर है वो आप यहाँ पे कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर है वो क्या होगा। अगले क्वेश्चन 48 की अगर मैं बात करूँ, राजस्थान में तेंदुपत्तियों का उपयोग मुख्यतः किसके निर्माण के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे राजस्थान ही नहीं किसी भी राज्य के अंदर जो तेंदुपत्तियाँ उनका निर्माण जो है वो बीड़ी बनाने के लिए यहाँ पे किया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की मैं अगर बात करूँ 49 की, तो टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, तो यहाँ पे जो हमारा आप आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, राजसमंद पाली और अजमेर के अंदर जो है टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य स्थित है दोस्तों। और अभी हम आखिरी क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की, जो है निम्नलिखित में से प्रदूषकों की किस श्रेणी का संबंध ब्लू बेबी सिंड्रोम से है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, नाइट्रेट्स जो है इसका सही आंसर है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले सभी भर्तियों के बारे में तथा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी देता रहूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।